हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन एट प्रोजेक्ट एजुकेशन। आप सभी का स्वागत। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहे। फ्रेंड्स, वेक्टर पढ़ रहे थे, वेक्टर को कंटिन्यू करते हैं। वेक्टर में अपन अब कंटिन्यू करते हैं फ्रेंड्स, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वैक्टर्स बाय स्केलर, है ना। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ वैक्टर आज अपन पढ़ने जा रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वैक्टर्स बाई स्केलर। तो फ्रेंड्स, अपन पढ़ेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स बाय स्केलर। स्केलर क्या होता है? स्केलर आपको पता है, जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उसमें क्या होता है, उसमें मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होती है, एंड वेक्टर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का वो उसको मतलब फॉलो करता है। मतलब तो फ्रेंड्स, स्केलर में क्या होता है, स्केलर में केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है। स्केलर क्या होता है? केवल और केवल मैग्नीट्यूड। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सब क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, इनमें डायरेक्शन नहीं होती। तो अपन क्या करेंगे, वेक्टर को स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे। अब प्रैक्टिकली देखो ये होता क्या है ना, ये मैं आपको दिखाता हूँ। सपोज देखो, ये एक वेक्टर लेते हैं अपन, ये वेक्टर है। इस वेक्टर की लेंथ कितनी है, 2 है, तो मैग्नीट्यूड क्या हो गया, 2। डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन क्या हो गई, आई कैप। तो ये वेक्टर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये वेक्टर हो जाएगा 2i कैप। अगर कंप्लीट वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो 2 तो इसकी क्या हो गया, मैग्नीट्यूड, आई इसकी डायरेक्शन हो गई, कंप्लीट मिला के लिखा तो 2i कैप। तो वेक्टर क्या हो गया, 2i कैप। सपोज ये ए वेक्टर है, तो मैं ये कह सकता हूं A वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप। A वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप, ये वेक्टर लिया मैंने। अब ये वेक्टर था आपके पास, ये तो लेंथ थी 2, ठीक है, 2 सेंटीमीटर मान ले, 2 मीटर मान ले, जो आपको मीटर तो हो नहीं सकता, सेंटीमीटर मान ले। तो ये 2 सेंटीमीटर सपोज अज्यूम कर लें आप, तो ये 2 सेंटीमीटर है, एंड डायरेक्शन क्या है, आई कैप की, ठीक है। अब देखना, अब मैं जस्ट क्या करता हूं, मैं लिखता हूं 2a। मैंने क्या किया, 2a वेक्टर, मतलब वेक्टर a को किससे मल्टीप्लाई किया, स्केलर क्वांटिटी 2 से। तो मेरा यहां क्या बन गया, 4i कैप, क्या बन गया, 4i कैप। देखो इक्वल वेक्टर की कंडीशन से जानते हैं, ये वेक्टर इसके पैरेलल कोई भी वेक्टर हो उसके इक्वल होगा, एंड लेकिन मैग्नीट्यूड भी क्या, मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, सॉरी, और डायरेक्शन भी क्या होनी चाहिए, सेम, इसके पैरेलल। तो डायरेक्शन सेम, मैग्नीट्यूड सेम रखें तो वेक्टर दोनों क्या होंगे, इक्वल। चलो, तो अब इसको 2a से मल्टीप्लाई किया, 2a से मल्टीप्लाई करने पे ये क्या हो गया, अब जो मैग्नीट्यूड 2 था वो क्या हो गया, 4 हो गया। बिल्कुल देख लो आप, 2a कैप से मल्टीप्लाई किया 4, तो मैग्नीट्यूड 4 हो गया, डायरेक्शन क्या रहेगी, वो की वही, तो वेक्टर की क्या बन गया, 4i कैप। तो फ्रेंड्स, जब आप स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हो तो डिफरेंस किस में आता है, डिफरेंस आता है मैग्नीट्यूड में। डायरेक्शन सेम बट मैग्नीट्यूड विल इंक्रीज, अगर क्या है, क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी क्या, पॉजिटिव। अगर स्केलर क्वांटिटी नेगेटिव है तो डायरेक्शन विल बी चेंज, डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी, ठीक है, और पॉजिटिव है तो डायरेक्शन सेम रहेगी। तो मल्टीप्लीकेशन का मतलब समझे आप, तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर में क्या होता है, लेंथ ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर विल चेंज, ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर विल चेंज, केवल मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर चेंज होगा, डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। डायरेक्शन चेंज कब होगी, जब स्केलर क्वांटिटी नेगेटिव होगी, तब डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी, जस्ट अपोजिट हो जाएगी। जैसे सपोज इसको अपन -2a से मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान देना आप, -2a वेक्टर्स ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, -4i कैप हो जाएगा। अब फ्रेंड्स, ये वेक्टर कैसा होगा, ये वेक्टर डायरेक्शन जस्ट अपोजिट, एंड ये लेंथ कितनी होगी, वेक्टर की लेंथ होगी 4, और ये वेक्टर क्या हो गया, -4i कैप, ये हो गया। तो स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लीकेशन करना बहुत ही आसान है। स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लीकेशन करने पे क्या होता है फ्रेंड्स, वेक्टर की लेंथ चेंज होती है, अगर माइनस में हो तो डायरेक्शन भी चेंज होती है, डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो जाती है। तो ये था मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स बाय स्केलर्स। अब इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, इसे नोट डाउन करें। लेट्स सी फ्रेंड्स, यहां पे अपन ने क्या किया है, स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर से मल्टीप्लाई किया है, एंड वेक्टर को स्केलर से किया है। फ्रेंड्स, बात तो एक ही है, कैसे, आप खुद देख लें। सपोज आपके पास 2i कैप है ना, 2i कैप को आपने किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से, तो क्या आएगा, 4i कैप। एंड सपोज 2i कैप को यहां लिख के 2 यहां लिखे तो भी क्या आएगा, 4i कैप। तो सेम ही तो रहने वाली बात है फ्रेंड्स, तो ये दोनों सेम ही तो है। आप स्केलर क्वांटिटी को इधर पहले लिख दे, या वेक्टर को पहले लिख के स्केलर को पहले लिखते, कम्यूटेटिव होते हैं, खत्म बात, आगे बढ़ते हैं। यहां डिस्ट्रीब्यूशन देखें आप, डिस्ट्रीब्यूशन में देखें बाबू, तो फ्रेंड्स सेकंड में देखिए आप, यहां पे स्केलर क्वांटिटी का सम है, तो आप दोनों को मल्टीप्लाई करके सम कर दें, चाहे सम करके मल्टीप्लाई कर दें, बात सेम है। चाहे तो आप एग्जांपल लेके देख लें, जैसे 2+3 या 5j कैप ले लें, या आप इनको अलग अलग लिख लें, तो क्या होगा, ये 5 25j कैप, एंड इनको अलग अलग लेंगे तो 2.5j कैप
प्लस 3.5 जे कैप, आप खुद समझते हैं 15 एंड 10 25 जे कैप, तो ये भी बात क्या होगी, सेम ही होगी, तो ये प्रॉपर्टी भी लग जाएगी, है ना। सिंपल आप खुद डायरेक्ट समझ सकते हैं, ज्यादा कोई टफ वाली बात नहीं, बहुत ही आसान। ये देखो स्केलर अंदर है, ये अंदर है, एन को बाहर कर दें, एम को अंदर कर दें, या दोनों को मल्टीप्लाई करके स्केलर इससे वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दें, तीनों का क्या आएगा वैल्यू, सेम आएगी, समझाने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। एंड ये भी देखो, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये टू वेक्टर्स है, अपन इनको अलग अलग मल्टीप्लाई करके सम कर दें, या पहले इन वेक्टर्स को सम करके फिर मल्टीप्लाई कर दें, ये भी बात सेम है। तो फ्रेंड्स ये तो बस प्रॉपर्टी बहुत ही आसान है, आप इसको नोट डाउन करें फिर आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी फ्रेंड्स, अब अपन मूव ऑन करते हैं कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर्स। कहां मूव करते हैं, कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर्स पे। तो व्हाट इज कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर्स, तो कोलिनियर एंड पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं, वेक्टर्स विच आर पैरेलल टू सेम लाइन, वेक्टर्स विच आर पैरेलल टू सेम लाइन। फ्रेंड्स जो वेक्टर सेम लाइन के पैरेलल हो, वेक्टर्स विच आर पैरेलल टू सेम लाइन, वो क्या कहलाते हैं, कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर्स। आप कहेंगे सर पैरेलल एंड कोलिनियर दो डिफरेंट थिंग्स है क्या, नो फ्रेंड्स, ये दोनों सेम थिंग्स है। आप वेक्टर्स को कोलिनियर बोले चाहे पैरेलल बोले, पैरेलल से भी साफ होता है कि दो वेक्टर्स पैरेलल कब होंगे, जब सेम लाइन के पैरेलल होंगे, है ना। तो वेक्टर्स विच आर पैरेलल टू सेम लाइन वो क्या कहते हैं, कोलिनियर वेक्टर्स। कहने का मतलब वेक्टर्स क्या हो, पैरेलल हो। सपोज यू वेक्टर्स बनाए मैंने खूब सारे, ये सारे वेक्टर्स क्या है फ्रेंड्स, ये सारे आपस में पैरेलल हैं, तो ये क्या है, पैरेलल और बोलू तो कोलिनियर वेक्टर्स। तो फ्रेंड्स ये क्या है, पैरेलल और कोलिनियर वेक्टर्स, ये वेक्टर्स क्या सारे के सारे पैरेलल एंड कोलिनियर वेक्टर्स। अब इसमें भी दो कैटेगरी है क्या, जैसे ये वेक्टर है एंड ये वेक्टर, इनकी डायरेक्शन क्या है फ्रेंड्स, सेम है, डायरेक्शन सेम। एंड इन पैरेलल वेक्टर्स में क्या है, डायरेक्शन क्या है इनकी भी, सेम। समझना फ्रेंड्स, देखिए इन दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन, सॉरी हाँ ये गड़बड़ कर दी अपन ने, इन दोनों की नहीं, इसको यहां लाओ आप, यहां 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 लाओ, यहां से यहां लाओ, इसकी एंड इसकी डायरेक्शन सेम है, इसकी इसकी डायरेक्शन सेम है, इन दोनों की डायरेक्शन लेफ्ट में, तो इन दोनों की डायरेक्शन राइट में, तो ये फ्रेंड इनकी डायरेक्शन सेम है। तो अपन एक और आगे इनको डिफाइन कर सकते हैं, किसको, कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर्स को ही आगे जाके और डिफाइन करें, तो लाइक वेक्टर्स। अब आप कहेंगे लाइक वेक्टर्स पैरेलल है क्या, बिल्कुल पैरेलल है भैया, ये पैरेलल ही तो बता रहा हूं मैं, पैरेलल के ही दो पार्ट होते हैं, पैरेलल या कोलिनियर वेक्टर्स के ही टू पार्ट है, एक तो लाइक वेक्टर्स एक अनलाइक वेक्टर्स। लाइक वेक्टर्स एंड अनलाइक वेक्टर्स। अब लाइक वेक्टर्स क्या थे फ्रेंड्स, आपको खुद को पता लग गया, लाइक वेक्टर्स क्या होते हैं, जिनकी डायरेक्शन सेम होती है, हैविंग सेम डायरेक्शन, हैविंग सेम डायरेक्शन। तो जो पैरेलल वेक्टर्स डायरेक्शन सेम रखते हैं, है ना, या कोलिनियर वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शन सेम है, उनको क्या बोलेंगे, लाइक वेक्टर्स। तो ये क्या हो गया, डायरेक्शन सेम वाले, ये लाइक वेक्टर्स है, इन दोनों को लाइक वेक्टर्स बोल देंगे, और ये दोनों भी क्या हो गए, लाइक वेक्टर्स हो गए। तो अनलाइक वेक्टर्स भी आपके क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स, अनलाइक वेक्टर क्या होते हैं, हैविंग अपोजिट डायरेक्शन, हैविंग अपोजिट डायरेक्शन। तो फ्रेंड्स जिन वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट होती है, वो क्या होते हैं, अनलाइक वेक्टर्स होते हैं। जिनकी डायरेक्शन सेम होती है, वो क्या होते हैं, लाइक वेक्टर्स होते हैं, ये अनलाइक वेक्टर्स। इनकी डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट। अब अपोजिट डायरेक्शन वाले आप ढूंढो, तो देखो फ्रेंड्स ये दोनों वेक्टर क्या है, ये एंड ये वाला एंड ये वाला अनलाइक वेक्टर्स है कि नहीं। अब देखिए ये एंड ये क्या है, दोनों डायरेक्शन अपोजिट है, यानी ये वेक्टर कैसे होंगे, अनलाइक वेक्टर्स। फ्रेंड्स इन दोनों को देखें आप, इसकी एंड इसकी डायरेक्शन भी क्या है, अपोजिट है, तो ये भी क्या हो गए, अनलाइक वेक्टर्स। तो फ्रेंड्स कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, लाइक वेक्टर्स क्या होते हैं, अनलाइक वेक्टर्स क्या होते हैं, पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं। कोलिनियर और पैरेलल ये तो सेम बात है, है ना। पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं, वेक्टर्स विच आर पैरेलल टू सेम लाइन, ये होते हैं पैरेलल वेक्टर्स। फिर लाइक वेक्टर्स क्या होते हैं, जो पैरेलल वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में होते हैं, वो होते हैं लाइक वेक्टर्स। एंड अनलाइक वेक्टर्स क्या होते हैं, जो पैरेलल वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, एक इधर तो एक इधर, एक लेफ्ट तो एक राइट, मतलब एक इधर है तो एक इधर है, जस्ट यू अपोजिट है डायरेक्शन, तो वो क्या होते हैं, अनलाइक वेक्टर्स होते हैं। तो ये कंसेप्ट क्लियर होगा आपका, इसे नोट डाउन करें। लेट्स सी फ्रेंड्स, कुछ चीजें दिखाता हूं आपको, देखिए
प्रैक्टिकली कुछ चीजें समझते हैं अपन, जैसे ये वेक्टर था एंड ये वेक्टर था, तो आपने सीधे से कहा तपाक से कि सर जैसे मैं इतना ही बनाता हूँ, ये हाफ इसके बराबर हाफ है, आपने तपाक से बोलेंगे फटाक से कि सर ये तो पैरेलल वेक्टर है या कोलिनियर वेक्टर है, जो भी आपके मन में आए बोल सकते हैं, दोनों हैं, तो ये पैरेलल है या कोलिनियर, बात एक ही है, कुछ भी बोले तो ये चलो पैरेलल वेक्टर। आपने जैसे ही कहा ये पैरेलल या कोलिनियर वेक्टर है, मैंने कहा ठीक है फ्रेंड्स कोलिनियर या पैरेलल वेक्टर्स है, मैंने कहा सही है, बिल्कुल सही है, ये कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर्स है, ठीक है। सो फ्रेंड्स प्रैक्टिकली आप समझ गए पैरेलल और कोलिनियर वेक्टर्स है, अपन अभी जस्ट डिस्कस कर चुके हैं। अब मैं एक बात पूछूं आपसे, सपोज मैं ये बोलूं ये लेमडा आई कैप है ना, लेमडा आई कैप नहीं मानते, चलो इसको मानते हैं अपन ए वेक्टर है, क्या वेक्टर है, ए वेक्टर, ठीक है, एंड ये क्या है, ये बी वेक्टर है, सपोज ये ए वेक्टर है ये बी वेक्टर है, तो फ्रेंड्स क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या ए वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा वन बी वेक्टर एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा टू ए वेक्टर। आप कहेंगे सर ये क्या माजरा है, ये लेमडा वन लेमडा टू ऐसे कैसे लिख दिया आपने, मैं कहूंगा फ्रेंड्स यहां लेमडा वन इन दोनों में लेमडा वन एंड लेमडा टू एलिमेंट ऑफ आर होते हैं, मतलब रियल नंबर्स होते हैं, है ना। और मैं ये भी बोलूंगा फ्रेंड्स कोई भी दो टू पैरेलल वेक्टर्स है, टू पैरेलल वेक्टर्स कैन बी राइट इन द फॉर्म ए वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा वन बी वेक्टर, या बी वेक्टर को लिखेंगे तो लेमडा टू ए वेक्टर, ये दोनों कॉन्स्टेंट डिफरेंट डिफरेंट हो गए, इसलिए लेमडा वन लेमडा टू लिया। लेमडा वन लेमडा टू क्या है, एलिमेंट ऑफ आर। आप कहेंगे सर आपने कैसे लिखा, मैं कहूंगा फ्रेंड्स प्रैक्टिकली देखिए, सपोज ये टू आई कैप ले लें आप, तो ये क्या ले लें, ये ले लें माइनस आई कैप, ये टू आई कैप है तो ये माइनस आई कैप ले लिया, ठीक है फ्रेंड्स सोचना दोनों पैरेलल वेक्टर्स थे। अब आप कहेंगे सर आपने लिखा ए वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा वन बी वेक्टर, तो यहां लेमडा वन क्या हुआ फ्रेंड्स, यहां लेमडा वन हुआ माइनस टू, समझना आप बात को, लेमडा वन क्या हुआ माइनस टू, आप यहां माइनस टू पुट किया, माइनस आई कैप माइनस टू से मल्टीप्लाई हुआ तो टू आई कैप बना कि नहीं बना, आप कहेंगे हाँ सर ये तो बना। अब मैं कहूंगा सेकंड में चले लेमडा टू पे, लेमडा टू में सोचे लेमडा टू क्या होगा फ्रेंड्स, बी वेक्टर क्या था माइनस आई कैप, ये क्या है टू आई कैप, तो लेमडा टू क्या होगा माइनस वन अपॉन टू, लेमडा टू क्या होगा माइनस वन अपॉन टू, या माइनस वन अपॉन टू से एक कैप को ए वेक्टर को मल्टीप्लाई किया तो बी वेक्टर ही तो आता है। तो फ्रेंड्स क्या समझे आप ये समझे दो टू वेक्टर्स होते हैं, समझना बात को प्रैक्टिकली समझना, ये तो हुआ अपन ने थ्योरेटिकली, प्रैक्टिकली समझो टू वेक्टर्स पैरेलल है, पैरेलल है तो डायरेक्शन तो क्या होगी, या तो सेम होगी या अपोजिट होगी, या तो लाइक होंगे या अनलाइक होंगे, नंबर वन चीज। सेकंड डिफरेंस होगा तो किसमें होगा, लेंथ में, यानी मैग्नीट्यूड क्या होता है वेक्टर की लेंथ, तो डिफर होगी तो क्या होगी लेंथ डिफर होगी। अब फ्रेंड्स अगर डायरेक्शन अपोजिट है, कल्पना करिए आप अगर डायरेक्शन वेक्टर की अपोजिट है तो अपन जो भी लेमडा लेंगे वो क्या लेंगे नेगेटिव का, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते डायरेक्शन सेम हो गई। नंबर टू सपोज किसी वेक्टर की अपन लेंथ जितनी लेंथ है इस वेक्टर की उसके इक्वल करने के लिए अपन ऐसा ना ऐसा रियल नंबर अपने पास हमेशा होगा जिससे मल्टीप्लाई कर दें तो लेंथ बराबर की जा सकती है। सपोज किसी वेक्टर की 100 आई कैप लेंथ है और आपके पास वेक्टर है आई कैप तो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, अब अगर आपके पास 2 आई कैप है तो उसको 50 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अगर आपके पास 4 आई कैप है तो उसको 25 से मल्टीप्लाई कर दिए, हो गया ना बराबर। तो फ्रेंड्स अपन किसी रियल नंबर से किसी भी वेक्टर को मल्टीप्लाई करके उसकी लेंथ को अपन कम ज्यादा कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, भाई स्केलर प्रोडक्ट भी अपन ने पढ़ा, स्केलर प्रोडक्ट में क्या सीखा किसी भी वेक्टर्स को उसकी अपन किसी भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड जो लेंथ होगी वो आगे पीछे होगी कम ज्यादा होगी, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्शन चेंज कर देंगे, तो अपन किसी भी वेक्टर को लेमडा से मल्टीप्लाई करके और दूसरे वेक्टर की इक्वल कर सकते हैं, लेमडा एलिमेंट ऑफ आर होगा, वो क्या होगा वो अकॉर्डिंग टू वेक्टर होगा, जैसा अपन ने यहां निकाला लेमडा वन लेमडा टू क्या होगा, जब वेक्टर दोनों गिवन होंगे तो अपने को ऑटोमेटिक पता लग जाएगा लेमडा क्या होगा, ठीक है। तो लेमडा के मल्टीप्लाई करने से एक तो अपन डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, तो अनलाइक वेक्टर्स होंगे तो माइनस रियल नंबर्स नेगेटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्शन सेम हो जाएगी, और लेंथ इक्वल करने के लिए जितना अपने को एलिमेंट ऑफ रियल नंबर की जो लेना है जो रियल नंबर लेना है वो ले लेंगे उनमें से, ऐसे कैसे ही अगर लाइक वेक्टर होंगे तो लेमडा पॉजिटिव रख लेंगे। तो फ्रेंड्स एक कंसेप्ट ये भी निकल के सामने आया क्या कि अगर k ग्रेटर देन 0 है, यहां लिखते हैं अपन ये भी नोट डाउन कर ले आप पहले। तो फ्रेंड्स ये कंसेप्ट तो आपका क्लियर हो गया कि लेमडा वन ग्रेटर देन 0 है, अगर मैं ये लिखता हूं ए वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा वन पी वेक्टर एंड लेमडा वन ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब वेक्टर्स कैसे रहे होंगे लाइक वेक्टर्स रहे होंगे, इसलिए अपन ने पॉजिटिव से मल्टीप्लाई किया लाइक वेक्टर्स, अगर लाइक वेक्टर्स होंगे तो क्या होगा फ्रेंड्स लेमडा वन ग्रेटर देन 0 होगा, समझ गए आप।
अनलाइक वेक्टर्स होंगे तो डायरेक्शन क्या होगी, दोनों वेक्टर्स की अपोजिट होगी, तो उनको सेम करने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा। तो अपन अगर ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टू बी वेक्टर है तो लैम्डा टू लेस देन जीरो है, तो फ्रेंड्स लैम्डा टू ये वेक्टर्स कैसे होंगे, अनलाइक वेक्टर्स होंगे। यहां मैं कहूंगा कि ए वेक्टर की जगह अपन क्या कर लें, या सी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टू डी वेक्टर कर लें, ये अच्छा रहेगा। अगर लैम्डा टू भी चेंज कर लें, क्योंकि K1 K2 कर लें, लैम्डा टू अपन ले चुके हैं, ये K1 कर लें, ये K2 कर लें, क्योंकि लैम्डा वन लैम्डा टू जस्ट अपन ने अभी यूज किया, ये K1 कर लें एंड ये K2 कर लें, है ना। जनरली है, कोई ज्यादा इसमें भी डिफरेंस नहीं है फ्रेंड्स, बस कॉन्स्टेंट है, अपने डिफर लिए, किसी को ये नहीं लग जाए ये वाले कॉन्स्टेंट उठा के वहां ले लिए, है ना, इसलिए कॉन्स्टेंट डिफर लिए। तो ये K1 ग्रेटर देन जीरो है तो वेक्टर्स कैसे होंगे, लाइक वेक्टर्स, क्योंकि जब वेक्टर्स इस टाइप में होंगे पैरेलल तो अपन को बराबर करने के लिए पॉजिटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्शन सेम है। और अनलाइक होंगे, जैसे यो है, एक वेक्टर इधर जा रहा है एक वेक्टर इधर जा रहा है, तो दोनों को डायरेक्शन सेम करने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो K2 लेस देन जीरो होगा, यहाँ पे नेगेटिव होगा, तब अनलाइक वेक्टर्स होंगे। तो ये भी क्लियर हो गया कि ये ग्रेटर देन जीरो तो लाइक, ये लेस देन जीरो तो अनलाइक। एंड फ्रेंड्स ये कंसेप्ट भी आपका क्लियर हो गया। तो कहने का मतलब हुआ, यदि मैं ये लिखूं आपके सामने, मैं लिखूं इफ एक्स एंड एक्स वेक्टर एंड वाई वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर्स, अगर आपके सामने ये कंडीशन आ जाए, ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल वेक्टर्स है, तो फ्रेंड्स क्या लिखेंगे आप लिखेंगे x1 इज इक्वल टू लैम्डा वाई वेक्टर, या y लिखते तो y वेक्टर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई करके एक रियल नंबर से और x वेक्टर लिख देते। सपोज y लिखते तो आप कैसे लिखते, y वेक्टर इज इक्वल टू, यहां लैम्डा लिया तो k x वेक्टर कर दो, यहां k ले लो कॉन्स्टेंट, चेंज कर दो, तो ऐसे लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, आपको समझ में आ गया, क्योंकि ये क्या करेगा, ये वेक्टर की लेंथ को कम ज्यादा करेगा, डायरेक्शन अपोजिट होता है, माइनस से मल्टीप्लाई करके प्लस करेगा। तो इसे नोट डाउन करें फ्रेंड्स, लेट्स सी फ्रेंड्स, अपने पास टू वेक्टर्स है फ्रेंड्स, यहां देखिए आप, इफ ए एंड बी आर टू नॉन जीरो, कीवर्ड पे ध्यान देना, नॉन जीरो का मतलब आप समझते हैं, वेक्टर्स जीरो नहीं है, जीरो वेक्टर्स नहीं है, एंड नॉन कोलिनियर, और कोलिनियर भी नहीं है, मतलब पैरेलल भी नहीं है, तो अपने पास टू वेक्टर्स है, वो ना तो जीरो है ना पैरेलल है। तो फ्रेंड्स एंड एक्स एंड वाई आर स्केलर्स, स्केलर्स आप जानते हो एलिमेंट ऑफ आर, ये रियल नंबर्स है कोई भी, ये स्केलर्स है, तो फ्रेंड्स अपन ये बोल सकते हैं एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर इज इक्वल टू, अगर जीरो गिवन है अपने को, तो यहां से कंडीशन जो निकलेगी, अगर ये दे दें अपन को, तो यहां से क्या कंडीशन निकलेगी, यहां से कंडीशन निकलेगी एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो, क्या निकलेगी एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो। थोड़ा अजीब सा लगेगा स्टार्ट में, आप ध्यान देना, यहां एक डेफिनेशन भी आएगी, ए बी क्या है, टू नॉन जीरो, टू नॉन कोलिनियर वेक्टर्स है, एंड एक्स वाई क्या है, स्केलर्स है, तो फ्रेंड्स एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो है, देन एक्स एंड वाई क्या होगा, जीरो होगा, एक्स और वाई दोनों के दोनों क्या होंगे, जीरो होंगे, और इनको क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, इनको बोलेंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, और शॉर्ट में इनको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, शॉर्ट में इनको बोलते हैं LI। जब आप कॉलेज में जाएंगे तो काफी सारा इसका मतलब डिटेल में आप एनालिसिस करेंगे, डिटेल में इसको पढ़ेंगे, है ना, लेकिन अभी अपने पास थोड़ा ये पार्ट, तो x a वेक्टर प्लस y b वेक्टर इज इक्वल टू जीरो, तो x y इज इक्वल टू जीरो होगा, और ये वेक्टर्स क्या कहलाएंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब लीनियरली इंडिपेंडेंट कहलाएंगे, लेकिन ये जीरो कब होगा, लेकिन कंडीशन क्या दे रखी है कि ab क्या है, टू नॉन जीरो वेक्टर्स है, पहली चीज ये दोनों जीरो जीरो नहीं है, सेकंड ये क्या है, नॉन कोलिनियर वेक्टर्स है, क्या है, नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, तो समझे बात को, तो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स है, तो फ्रेंड्स देखना ऐसा क्यों हुआ, अगर इसका प्रूफ देना चाहे अपन, तो सपोज अपन कहते हैं x नॉट इक्वल टू जीरो, अज्यूम कर लें कि x जीरो नहीं है, चलो अज्यूम कर लिया x जीरो नहीं है, तो फ्रेंड्स b वेक्टर इज इक्वल टू, आप लिख सकते हैं फिर माइनस x अपॉन y a वेक्टर, x अपॉन y क्या, स्केलर्स, यानी एक रियल नंबर्स है, ये क्या होगा, एक रियल नंबर्स, अगर x जीरो नहीं है तो मैं इसको इस टाइप में लिख सकता हूं, तो भैया ये क्या होगा, एक रियल नंबर्स होगा, तो b वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो गया, लैम्डा a वेक्टर्स, और b वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा a वेक्टर्स अगर लिख सकते हैं, तो b वेक्टर पैरेलल टू क्या हो गया, a वेक्टर, b वेक्टर और a वेक्टर पैरेलल हो गए, जबकि अपने को साफ साफ गिवन है कि नॉन जीरो, नॉन कोलिनियर, मतलब नॉन कोलिनियर मतलब पैरेलल तो नहीं है, तो x नॉट इक्वल टू जीरो लेने पे वेक्टर क्या आ रहा है, पैरेलल, तो ये अपन ले ही नहीं सकते, तो अपन को क्या लेना पड़ेगा, x इक्वल टू जीरो लेना पड़ेगा, तो यहां से ये प्रूव हुआ कि x जीरो है। सेम वे में फ्रेंड्स अगर यहां पे y ले लेते और अपन y लेते और सेम प्रोसेस करते तो यहां y भी क्या आ जाता, जीरो आ जाता, तो फ्रेंड्स ये क्लियर होगा प्रूफ से आपको, मैं y भी लेके बताऊं, चलो y भी बता देता हूं, सपोज मैं y नॉट इक्वल टू जीरो लेता, सोचना आप,
वाई नॉट इक्वल टू जीरो लेता तो ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या आता फ्रेंड्स, ए वेक्टर इज इक्वल टू आता माइनस वाई अपॉन एक्स बी वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर इज इक्वल टू आता माइनस वाई अपॉन एक्स बी वेक्टर, एंड ए वेक्टर को आप इसको पूरे को, ये एक रियल नंबर्स है, इसको के अज्यूम कर ले तो के बी वेक्टर। तो फ्रेंड्स ये क्या हुआ, ये अगर ये आ गए तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर, जस्ट अपन ने डिस्कशन किया था अभी कि ये पैरेलल होते हैं तभी ऐसे लिख सकते हैं, तो ये पैरेलल हो गए, जबकि पैरेलल थे क्या, पैरेलल तो नहीं थे, मतलब वाई नॉट इक्वल टू जीरो सही है क्या, नहीं सही है, ये स्टेटमेंट सही है क्या, बिल्कुल सही नहीं है, तो फिर क्या होगा, वाई इक्वल टू जीरो होगा। तो फ्रेंड्स कंसेप्ट समझ गए आप क्या, कि अगर टू एटलीस्ट भी बोल सकते हैं, देखो टू नॉन जीरो की जगह यहां पे इसकी जगह एक चीज और लिख सकते हैं, और एटलीस्ट वन इज नॉन जीरो, जो वेक्टर है उसमें से कम एक नॉन जीरो रहे, एटलीस्ट वन इज नॉन जीरो, ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू नॉन जीरो वेक्टर्स, है ना, या और एटलीस्ट वन इज नॉन जीरो, ठीक है, एंड नॉन कोलिनियर वेक्टर्स है साथ साथ में, तो फ्रेंड्स अगर इसके इक्वल टू जीरो है तो एक्स वाई क्या होंगे, जीरो, और ये क्या कहलाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स कहलाएगा। तो ऐसा वेक्टर अगर ये कंडीशन होती है, ये कंडीशन होती है, तो वेक्टर क्या कहलाता है, लीनियर इंडिपेंडेंट, ठीक है, इसको नोट डाउन करें। सो लेट्स सी फ्रेंड्स, अपन ने लीनियर इंडिपेंडेंट देख लिया, अब लीनियर डिपेंडेंट देखते हैं। फ्रेंड्स नॉन जीरो एंड कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज लीनियर डिपेंडेंट वेक्टर्स, अगर पूरा लिख दें एक बार, लीनियर डिपेंडेंट वेक्टर, जैसे नॉन कोलिनियर वेक्टर्स थे, नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते थे, लीनियर इंडिपेंडेंट होते थे, ये क्या होते हैं, लीनियर डिपेंडेंट होते हैं। फ्रेंड जैसे ए वेक्टर लिया एंड बी वेक्टर लिया, समझना आप आपको, एंड स्केलर्स लिए अपन ने एक्स वाई, ये तो वेक्टर्स हो गए एंड ये स्केलर्स हो गए, एंड फ्रेंड्स मैं ऐसे लिखूं एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो, तो आपको ये कहना पड़ेगा एटलीस्ट वन फ्रॉम एक्स कोमा वाई, एटलीस्ट वन फ्रॉम एक्स कोमा वाई आर नॉट जीरो। तो फ्रेंड्स क्या होगा, एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो है, इसका मींस हुआ एटलीस्ट वन फ्रॉम एक्स कोमा वाई आर नॉट जीरो, ठीक है, एक्स कोमा वाई से कम एक नॉन जीरो है स्केलर्स में से, दोनों जीरो नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये कंसेप्ट समझ में आ गया, अगर ऐसा है तो ये क्या कहलाएगा, लीनियर डिपेंडेंट कहलाएगा। तो लीनियर इंडिपेंडेंट में क्या होता था, ये दोनों जीरो हो जाते थे, जबकि लीनियर डिपेंडेंट में ये दोनों जीरो नहीं होते। कंडीशन क्या होती है, ऐसा इसलिए होता है, ये दोनों जीरो क्यों नहीं हो सकते एक साथ, क्योंकि अपन यो लिख सकते हैं, देखो फ्रेंड्स प्रूफ में देखें तो ए वेक्टर इज इक्वल टू होगा माइनस वाई अपॉन एक्स बी वेक्टर, और बी वेक्टर इज इक्वल टू लिखें तो माइनस एक्स अपॉन वाई ए वेक्टर, ऐसे लिख सकते हैं, नंबर वन चीज ऐसे लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखो, ना तो ये ना ये, ना तो ये फ्रेंड्स क्या है, मतलब ये एक क्या है, कोलिनियर वेक्टर है ना, तो ये लेमडा है, ये लेमडा है, तो एक्स क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो, एंड ये लेमडा है तो वाई क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो। तो फ्रेंड्स ये एक्स वाई जीरो नहीं हो सकते, यहां पे एक्स वाई जीरो नहीं हो सकते, यहां तो एटलीस्ट क्या, दोनों ही जीरो नहीं हो सकते, यहां तो ये लिख दो में तो एक्स वाई आर नॉट जीरो, एक्स वाई दोनों जीरो नहीं है, क्योंकि ये कंडीशन है देख लो, क्योंकि ये एक रियल नंबर है माइनस वाई अपॉन एक्स, क्योंकि कोलिनियर है तो ये लेमडा होगा लेमडा वन, इसको लेमडा टू मान ले, तो ये रियल नंबर है तो एक्स जीरो कैसे हो सकता है, ये रियल नंबर है तो वाई जीरो नहीं हो सकता। अब हाँ एक से ज्यादा हो, सपोज यू हो एक्स वन ए वेक्टर ए वन वेक्टर एक्स टू ए टू वेक्टर, है ना, प्लस एक्स थ्री ए थ्री वेक्टर्स, चलता डेस 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 एक्स एन, ऐसे बना दें ए एन वेक्टर्स इज इक्वल टू जीरो। सपोज इसमें सारे के सारे क्या हो जाए, एक्स वन एक्स टू डेस 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 एक्स एन, ये सारे के सारे क्या हो गए, जीरो, तो ये क्या हो गया, लीनियर इंडिपेंडेंट एल आई। एंड ये क्या है, x1 इक्वल टू x2, या यूं लिख दो x1 x2 डेस 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 xn, एटलीस्ट वन इज नॉन जीरो, एटलीस्ट वन इज नॉन जीरो, कम से कम एक नॉन जीरो हो इसमें से, है ना, या सारे जीरो नहीं हो, तो फंक्शन क्या होगा, फंक्शन ये हो जाएगा अपना लीनियर डिपेंडेंट। और ये क्या हो गया, सॉरी फंक्शन क्या, ये इसके अपना वेक्टर्स हो जाएंगे लीनियर इंडिपेंडेंट, और ये क्या हो जाएंगे, लीनियर डिपेंडेंट।
तो फ्रेंड्स ये चीजें क्लियर हो गई कि ये कंसेप्ट आपका लीनियर डिपेंडेंट एंड लीनियर इंडिपेंडेंट का क्लियर हो गया। तो कहने का मतलब अपन यूं बोल सकते हैं डायरेक्ट, अगर सीधा सीधा बोले तो स्पष्ट शब्दों में, कोई वेक्टर्स लीनियर इंडिपेंडेंट कब होगा, जब वो नॉन कोलिनियर होगा, नॉन जीरो वेक्टर्स होगा, वो दोनों एक्स वाई जीरो होंगे तो क्या होगा, या फिर यूं बोल सकते हैं नॉन कोलिनियर वेक्टर्स होंगे वो ऑलवेज लीनियर क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, और जो कोलिनियर वेक्टर्स होंगे वो ऑलवेज क्या होंगे, लीनियर डिपेंडेंट होंगे। ठीक है, इस पे सवाल भी आएंगे आगे जाके, वो करते हैं अपन। तो फ्रेंड्स ये चीजें आपके क्लियर होगी, इसे नोट डाउन करें।